डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग यूनिट 4 का लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग मैट्रिक्स और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जहां पे हम लोगों ने नंबर ऑफ प्रोसेसेस, नंबर ऑफ रोज के इक्वल लिए थे। लेकिन अगर हम लोग नंबर ऑफ प्रोसेसेस को नंबर ऑफ रोज से कम लेना चाहते हैं तो हमें ग्रैनुलैरिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। ग्रैनुलैरिटी का मतलब हम लोगों को नंबर ऑफ रोज अपने प्रोसेसेस को ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो उस केस में हम लोग नंबर ऑफ रोज को प्रोसेसेस में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एन बाई पी से, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हर प्रोसेसर के पास नंबर ऑफ रोज ज़्यादा होंगे और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग उन्हें नंबर ऑफ वेक्टर्स भी देंगे, एन बाई पी वैक्टर्स वैल्यूज हम उन्हें प्रोवाइड कराएंगे। बाई इंक्रीजिंग द ग्रैनुलैरिटी हम लोग पैरेलल सिस्टम का ओवरहेड रिड्यूस कर सकते हैं। जब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसर्स कम होंगे तो हमारा ओवरहेड भी डिक्रीज होगा। अब हम लोग मैट्रिक्स और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का एक दूसरा अप्रोच देखते हैं, जहाँ पे हमारे पास n क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए n स्क्वायर प्रोसेसर्स। अब n स्क्वायर प्रोसेसर्स का मतलब ये है कि हर प्रोसेसर के पास मैट्रिक्स का सिंगल एलिमेंट है और हम लोग यहाँ पर जो n क्रॉस n की वेक्टर है हमारे पास, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे n प्रोसेसर्स में। फिर वो प्रोसेसर्स उस अपने वैल्यूज़ को फर्दर आगे ब्रॉडकास्ट करेंगे। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग इस डायग्राम की मदद लेते हैं। इस डायग्राम में हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और एक वेक्टर है। यहाँ पर जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं उनको हम एक एक प्रोसेसर को प्रोवाइड करा दे रहे हैं। रूट पी की बात हम लोग तब करेंगे जब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट से कम होंगे। बट यहाँ पे हम लोग ये मान के चलेंगे जितने हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं उतने हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सो पी जीरो के पास मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है, पी वन के पास मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट है, इसी तरह से पी थ्री के पास मैट्रिक्स का तीसरा एलिमेंट है। और हमारे पास प्रोसेसर का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा कि ये रो वाइज एलिमेंट्स को स्टोर कराएंगे। अब हमारे पास वेक्टर एक्स है, तो यहाँ पर जो अप्रोच है वो अप्रोच ये है कि अगर आपका प्रोसेसर पी ज़ीरो है तो उसको हम लोग फर्स्ट एलिमेंट प्रोवाइड करा देंगे। इसी तरह से डायगनली में जो दूसरा प्रोसेसर आएगा उसको हम लोग दूसरा वेक्टर एक्स प्रोवाइड करा देंगे। इसी तरह से डायगनल में जो तीसरा प्रोसेसर आएगा उसको हम लोग वेक्टर एक्स का एक एलिमेंट प्रोवाइड करा देंगे। इसी तरह से हम लोग प्रिंसिपल डायगनल्स में इन वेक्टर एक्स को पास ऑन करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट अप्रोच क्या होगा कि अब जो भी हमारा प्रोसेसर है वो इसी कॉलम के दूसरे प्रोसेसर्स को अपनी वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इसी तरह से दूसरे रो के लिए इस कॉलम का जो प्रोसेसर होगा वो अपने कॉलम के दूसरे मेंबर्स को अपनी वैल्यू को पास ऑन कर देगा। इसी तरह से डायगनल एलिमेंट्स जो भी होंगे या डायगनल प्रोसेसर जो भी होंगे वो अपने अपने नेबर कॉलम्स को अपनी वैल्यूज़ को ब्रॉडकास्ट कर देंगे या डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास अप्रोच है उसका, जैसे ये प्रोसेसर है ये अपने नेबर्स कॉलम्स को वैल्यू पास ऑन कर रहा है, ये स्टेप बाय स्टेप पास ऑन कर रहा है। इसने इस प्रोसेसर को किया, इस प्रोसेसर ने इसको किया, इस प्रोसेसर ने इसको किया और फर्दर आगे पास ऑन कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं डायगनल प्रोसेसर है, इसने अपने ऊपर वाले नेबर को डेटा ट्रांसफ़र किया और इसी तरह से आगे वो ट्रांसफ़र करता जा रहा है। सेम चीज़ ये सारे डायगनल प्रोसेसर्स अपने नेबर कॉलम प्रोसेसर को डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपका वेक्टर का जो फर्स्ट पोजीशन जीरो पोजीशन है वो इस कॉलम के काम आएगा, इसी तरह से नेक्स्ट जो वेक्टर वैल्यू होगी वो इस कॉलम के काम आएगी, इसीलिए ये लोग कॉलम वाइज डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो प्रीवियसली देखा जाए तो हम लोगों ने वेक्टर को रो वाइज ट्रांसफ़र किया है। जैसे अगर इस अप्रोच में देखें तो पहले इस प्रोसेसर के पास डेटा आया, फिर इसने इसको पास ऑन किया, इसने इसको पास ऑन किया, फिर ऐसे पास ऑन होता गया और ये पी ज़ीरो के पास पहुँच गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग डेटा को कॉलम वाइज पास ऑन कर,
तो फर्स्ट अप्रोच को बोलेंगे हम लोग इनिशियल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिकेशन, स्टेप टू अलाइन द वेक्टर अलोंग द टाइमलाइन, सेकंड क्या हो जाएगा वन टू ऑल ब्रॉडकास्ट, थर्ड जो अप्रोच है ऑल्ट वन रिडक्शन ऑफ पैरेलल रिजल्ट्स। इसमें क्या हो रहा है कि अब जब सबके पास एक एक एलिमेंट है मैट्रिक्स का और एक एक एलिमेंट है वेक्टर का, तो वो सभी अपने अपने एंड पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर देंगे। जैसे इस प्रोसेसर ने अपने वेक्टर एक्स और अपने मैट्रिक्स एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया, वैसे इसने अपने वेक्टर एक्स और अपने मैट्रिक्स एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया। इसी तरह से सारे प्रोसेसर ने उनके पास जो भी वेक्टर एक्स है और जो भी मैट्रिक्स का एलिमेंट है उसमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लिया। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के बाद अब ये अपने मल्टीप्लिकेशन वैल्यू को इसे फॉरवर्ड करेंगे और ये अपने प्रीवियस वैल्यू को और अपने वैल्यू को सम करेगा। इसी तरह से फिर ये आगे फॉरवर्ड करेगा तो ये अपने वैल्यू और आई हुई सम वैल्यू को फिर से सम करेगा। अगेन ये आगे फॉरवर्ड होगा, ये अपने वैल्यू को और प्रीवियस प्रोसेसर से आई हुई वैल्यू को सम करेगा और ये आगे फॉरवर्ड करेगा। और ये जो आपके लास्ट कॉलम के जो प्रोसेसर्स हैं वो फाइनल सम करके रिजल्ट प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजल्ट वेक्टर यहाँ पर हमें मिल जाएगा जो कि आपके लास्ट कॉलम के प्रोसेसर जनरेट करेंगे, क्योंकि उनके पास अपनी वैल्यू और प्रीवियसली जो सम की हुई वैल्यूज आ रही हैं स्टेप बाय स्टेप उनको वो टोटल सम करके निकाल देगा। अब इस अप्रोच में जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का जो टाइम है वो सारे के सारे प्रोसेसर एक साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो अगर हम कहें कि ये कॉन्स्टेंट टाइम में हो रहा है। और इसी तरह से अगर हम सम की बात करें तो सम भी आपका कॉन्स्टेंट टाइम में ही होगा, क्योंकि एक प्रोसेसर ने दूसरे प्रोसेसर दूसरे जो उस कॉलम के जितने प्रोसेसर ने सम ने एक साथ सम परफॉर्म किया, फिर इसके बाद आगे फॉरवर्ड हो सम ने एक साथ सम परफॉर्म किया, इसी तरह से सम को आगे परफॉर्म किया गया। तो इस केस में क्या है कि जो सम का टाइम है और मल्टीप्लीकेशन का टाइम है उसे कॉन्स्टेंट मान करके इसका पैरेलल टाइम कैलकुलेट किया गया। तो अगर अब देखा जाए तो इसमें पैरेलल टाइम बेसिकली किसका आएगा, पैरेलल टाइम बेसिकली आएगा कम्युनिकेशन का। पहला जो कम्युनिकेशन हुआ वो डायगोनल एलिमेंट्स में हमारे पास वेक्टर एक्स का, इसी तरह से जो दूसरा कम्युनिकेशन हुआ हमारे पास सेम कॉलम में डिफरेंट डिफरेंट रोज में डेटा का ब्रॉडकास्टिंग हुआ, और जो तीसरा कम्युनिकेशन परफॉर्म हुआ वो हमारा कॉलम वाइज आगे डेटा मल्टीप्लीकेट होकर के सम होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्चुअल टाइम लग रहा है वो कम्युनिकेशन का टाइम लग रहा है। अब इस पर्टिकुलर प्रोसेसर में देखा जाए तो जो कम्युनिकेशन टाइम है वो क्या होगा, अब यहाँ पर कम्युनिकेशन टाइम को लॉग इन बताया गया। अब ये कहा गया है कि जितने भी हमारे पास कम्युनिकेशंस हैं जो थ्री स्टेप्स कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है उसमें टाइम लॉग इन लग रहा है। अब ये लॉग इन टाइम कैसे आ रहा है इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसके पहले स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हम लोग वैल्यू ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये आपका इस प्रोसेसर से इस प्रोसेसर पे आया, फिर इस प्रोसेसर से इस प्रोसेसर पे आया, सिमिलरली ये आगे इस प्रोसेसर के पास आपकी वैल्यू जा करके स्टोर हो गया। इसी तरह से इस यहाँ पे प्रोसेसर में आ रहा है, फिर ये अपने आगे वाले प्रोसेसर को फॉरवर्ड कर रहा है, और इस तरह से। तो अगर ऐसे इस तरह से स्ट्रक्चर को देखा जाए तो हमारे पास जो मैक्सिमम जो कम्युनिकेशन यहाँ पे हुआ वो एन प्रोसेसर के बीच में कम्युनिकेशन हुआ। तो इसका मतलब जो यहाँ पे कम्युनिकेशन टाइम है वो मैक्सिमम एन का लगा। अब चूंकि सारे प्रोसेसर्स में कम्युनिकेशन एक साथ होंगे तो उसमें भी अगर मैक्सिमम लें तो वो एम का टाइम रहेगा। इसी तरह से इसमें भी देखें तो अगर ये रो वाइज अगर ये आगे डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा है तो सभी जो है एक बार में एन प्रोसेसर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे भी देखें तो अगर ये डेटा को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं ये मानते हुए कि जो हमारा एडिशन टाइम है वो कॉन्स्टेंट टाइम है, तो जो कम्युनिकेशन जा रहा है वो भी क्या हो रहा है लगभग n का जा रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन टाइम है n प्लस n प्लस n यानी 3n हुआ। तो ये लॉग इन कैसे आया,
हम लोग यहाँ पर तीनों स्टेप्स में कम्युनिकेशन टाइम लॉग इन दिखा रहे हैं। अब ये लॉग इन कैसे आ रहा है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। लॉग इन बेसिकली डिपेंड कर रहा है किस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, या हम कहें कि किस तरह का नेटवर्क आर्किटेक्चर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक आपका 2D मेश है और एक हाइपर क्यूब है। अगर आप 2D मेश की बात करेंगे, 2D मेश में क्या है कि जो हमारा नोड्स कनेक्ट है, या तो आप देखें वो कॉलम वाइज है या तो रो वाइज है, ठीक है। और हमारे जो कम्युनिकेशन हो रहे हैं वो भी आपके कॉलम वाइज और रो वाइज एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इस केस में जो कम्युनिकेशन है वो स्टेप बाय स्टेप ही चलेगा। तो मान लीजिए आपने 4x4 की मैट्रिक्स ले रखी है और 4x4 का नेटवर्क का 2D मेश बनाते हैं, तो उस केस में जो मैक्सिमम आपका कम्युनिकेशन होगा वो इस नोड से इस नोड होगा या इस नोड से इस नोड होगा। तो उस केस में आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, यानी कि 3 टाइम स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप वहीं पर हाइपर क्यूब का स्ट्रक्चर लेंगे, तो हाइपर क्यूब में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो आपका कम्युनिकेशन टाइम होता है फ्रॉम वन नोड टू अनदर, जो कि नोड आपका सबसे दूर होगा, उसमें आपका जो मैक्सिमम टाइम लगेगा वो लॉग एन स्क्वायर का लगेगा। कैसे? जैसे अगर आप यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स है n×n की और नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हमारे पास n स्क्वायर प्रोसेसर्स हैं, तो यहाँ पे हम अगर हम n इज इक्वल टू 4 लेते हैं तो नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हमारे हो जाएंगे 16। अब इस 16 प्रोसेसर्स में डेटा कैसे ट्रांसफ़र होगा? जैसे मान लीजिए आपको इस नोड से और इस नोड पे डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो अगर आप ऐसे काउंट करेंगे तो आप पहले यहाँ से यहाँ डेटा ट्रांसफ़र करोगे, फिर आप यहाँ से इस पर आओगे, फिर इस तरह से यहाँ से यहाँ आओगे, फिर यहाँ। तो बेसिकली कितने स्टेप्स है? 1 देन 2 देन 3 देन 4। तो यहाँ पे आपके पास 4 स्टेप्स अप्लाई होंगे। तो जब आप थीटा लॉग एन स्क्वायर करोगे, या हम कहें लॉग एन स्क्वायर करेंगे, तो लॉग 16 की बेस 2 निकालोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 4। अब इसको हम लोग लॉग इन लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग इन स्क्वायर हो जाएगा 2 log n, और 2 को हम कांस्टेंट मान के कह सकते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन टाइम है वो लॉग इन आएगा, ठीक है। इसी तरह से आप हाइपर क्यूब को और आप ज़्यादा एक्सपैंड करते हो तो उस केस में भी देखोगे जो कम्युनिकेशन टाइम होगा वो आपका आएगा लॉग इन स्क्वायर। तो उस लॉग इन स्क्वायर से ही ये बताया गया है कि जो हमारा ऑपरेशन होगा वो लॉग इन टाइम लेगा, ठीक है। क्योंकि कम्युनिकेशन में ही टाइम लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन और सम को हम लोग कॉन्स्टेंट मान रहे हैं। अब इस केस में जबकि हमारे पास जो पैरेलल टाइम आ रहा है वो लॉग इन आ रहा है। अब अगर हम तीनों प्रोसेस की बात करें तो log n + log n + log n 3 log n, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये लॉग इन टाइम आ रहा है। अब अगर हम इसका कॉस्ट निकालने की कोशिश करें, तो कॉस्ट क्या होता है? हमारा प्रोसेस टाइम प्रोडक्ट, प्रोसेस मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसर्स। अब नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हमारे पास कितने हैं? n स्क्वायर, और जो हमारा पैरेलल टाइम लग रहा है वो हो रहा है लॉग एन, तो ये आएगा एन स्क्वायर लॉग एन। तो अब ये क्या कॉस्ट ऑप्टिमल है या नहीं है? तो हमको पता है कि अगर हम कैलकुलेट करें सीक्वेंशियल से तो वो हमारा आता है एन स्क्वायर। अब उस केस में अगर हमारे पास सीक्वेंशियल टाइम एन स्क्वायर है और कॉस्ट हमारी एन स्क्वायर लॉग एन आ रही है, तो यहाँ पे लॉग इन का फैक्टर आ रहा है हमारे इस स्ट्रक्चर में, जहाँ पे हम एन स्क्वायर प्रोसेसेस ले रहे हैं। तो उस केस में हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा जो एल्गोरिदम है वो कॉस्ट ऑप्टिमल नहीं है। अब इसी को इम्प्लीमेंट करने का एक अप्रोच और हो सकता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं वो एन स्क्वायर से कम हो। उसके लिए यहाँ पर एक सोल्यूशन दिया गया है कि हमारे पास हर प्रोसेसर को नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस तरह से मिलेंगे, या हम कहें कि उनको मैट्रिक्स का सब पार्ट कैसे मिलेगा, n/√p × n/√p। तो सपोज करिए कि आपके पास 4x4 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इस 4x4 की मैट्रिक्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो 2x2 के प्रोसेसर स्ट्रक्चर्स में, तो क्या करोगे उस केस में? 2x2 के केस में आपके पास कितने प्रोसेसर्स हो जाएंगे? 4 प्रोसेसर्स। अब उन 4 प्रोसेसर्स में आप क्या करोगे, हर प्रोसेसर को 2x2 ब्लॉक का मैट्रिक्स प्रोवाइड कर दो। तो यहाँ पे बोला गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4x4 मैट्रिक्स इन 4 प्रोसेसर कैसे होगा, ईच प्रोसेसर विल गेट 2x2 ब्लॉक ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि एन की वैल्यू आपकी क्या होगी? 4।
अपॉन फोर प्रोसेसर में करना है तो रूट फोर दैट इज इक्वल टू टू, तो फोर अपॉन टू तो क्या होगा टू। इसी तरह से यहाँ पे भी फोर अपॉन रूट फोर दैट इज फोर अपॉन टू, तो ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसका होगा टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स का। यानी जहाँ पे हम लोग पहले एन स्क्वायर यानी 16 प्रोसेसर ले रहे थे, अगर हम उनको फोर प्रोसेसर में डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर हर प्रोसेसर को टू क्रॉस टू ब्लॉक का मैट्रिक्स देना पड़ेगा। इस केस में अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हम लोगों को नंबर ऑफ प्रोसेसर कम लगेंगे और जो ग्रैनुलैरिटी है वो हमारी बढ़ेगी। तो इस तरह से हम लोग कॉस्ट ऑप्टिमल पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।